हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ अबेकस। इसके यूज़ से आप फास्ट और स्पीड मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसे इजिप्ट के नियर सोमालिया आइलैंड में फाउंड किया गया था और बाद में जापान ने इसे अपग्रेड करके 4.1 वर्जन में लॉन्च किया। इसे सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि इसमें फिंगरिंग कैसे की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखें कि फिंगरिंग कैसे की जाती है। अबेकस की इस बार को हम कहते हैं कैलकुलेशन बार, और इस पे जो डॉट्स लगे हुए हैं ये यूनिट्स प्लेस हैं। ये यूनिट प्लेस हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। और इस कैलकुलेशन बार के जो कि बीच में बनी हुई है, इसके अपसाइड के बीड्स की हर एक की वैल्यू 5-5 है। इन सभी की वैल्यू 5-5 है, और जब तक ये बीड्स इस कैलकुलेशन बार को टच नहीं कर रहे हैं तब तक यहाँ पे ज़ीरो है। जैसे ही ये टच करेंगे इनकी वैल्यू 5 हो जाएगी। जैसे कि देखिए, ये वंस प्लेस है डॉट। यहाँ पे अब मैं इस बीड को नीचे करता हूँ और इसकी वैल्यू 5 है, हर एक की वैल्यू 5 है। तो इसे मैं जैसे ही नीचे करूँगा अब ये 5 है, तो हमें 5 लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस बीड को नीचे करेंगे, दिस इज़ 5, और फिर से जूम आउट करके ये 0 हो गया। और जो कि कैलकुलेशन बार के नीचे के बीट्स हैं, इन सभी की वैल्यू 1-1 है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हमें 2 लिखना है तो हम सिंपली 2 बीट्स ऊपर कर देंगे। हमें 3 लिखना है तो हम 3 बीट्स ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब सीखते हैं कि फिंगरिंग कैसे की जाती है। फिंगरिंग दोनों हैंडों से की जाती है। पहले हम सीखेंगे कि राइट हैंड फिंगरिंग कैसे की जाती है। राइट हैंड फिंगरिंग के लिए जो भी बीड्स नीचे हैं, यानी कि 1-4 जब भी हमें फिंगरिंग करनी होगी तो हम उसे थंब से करेंगे, अप एंड डाउन। अब हम थंब से करेंगे। जैसे हमें 1 लिखना है तो हम लिखेंगे 1-1-1-1-1-1-1, और -1 इसे, और डाउन हम इसे इंडेक्स फिंगर से करेंगे। ये -1-1-1-1-1-1-1-1-1। वैसे ही अगेन 2-2-2-2-2-2-2, और ये -2-2-2-2-2-2-2। सिंपली यही ऐसे ही 4 तक चलेगी। और अगर हमें अब जैसे कि 6 लिखना है तो वो इंडेक्स और थम इन दोनों हैंड से लिखी जाएगी। और अगर हमें 5 लिखना है सिंपली ऊपर के बीट्स का यूज़ करना है कैलकुलेशन बार के, तो वो सिर्फ इंडेक्स फिंगर से होगा। जैसे कि 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5। तो उसके लिए हम सिर्फ इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। अब हमें 6 लिखना है तो इंडेक्स फिंगर और थम दोनों से 6-6-6-6-6-6-6, -6-6-6-6-6-6। और कभी ये बिखर जाएं ऐसे को बीट्स तो हम इन्हें जूम आउट कर देते हैं। अबेकस हमेशा लेफ्ट से राइट को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो जूम आउट है वो हमेशा राइट हैंड से राइट टू लेफ्ट यूज़ किया जाता है। ऐसे को ये 0-0 होगी सभी की वैल्यू। ठीक है, ये था राइट हैंड फिंगरिंग के बारे में। और ऐसे ही आपको रोज़ इसे यूज़ करने से पहले राइट हैंड फिंगरिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगली लेफ्ट हैंड फिंगरिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा।